प्रकृति में इंडिविजुअल या एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती। आइसोलेशन में आइसोलेशन भी नहीं होता, एकांतवाद एकांत में भी नहीं होता। उसके लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक परिवेश हमेशा से जिम्मेदार रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक तालाब में एक पत्थर फेंको तो वही लहरें आएंगी, पूरे तालाब में आएंगी। इंग्लैंड में जो एकांतवाद है वो सिर्फ इंग्लैंड की ही समस्या नहीं होगी, वो हो सकता है पूरी दुनिया की। किसी ने उसको स्वीकारा, क्या मजबूरी रही है या क्या दरियादिली रही है वो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरी दुनिया की समस्या है, उन्होंने उसको स्वीकारा। तो उसमें व्यक्ति स्वयं भी जिम्मेदार है, परिवार भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, राष्ट्र भी जिम्मेदार है। और समय का खेल भी हो सकता है कि ऐसी चीजें उभर के आ रही हैं। तो व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि जब निर्णय लेने की घड़ी आई थी कि आप क्या काम करना चाहते हो, तब उसने सामूहिक सफलता की बजाय व्यक्तिगत सफलता को चुना होगा। तब उसके समूह में जितने लोग आते गए होंगे उनको धीरे धीरे काटता गया होगा। उस काट में जब वो ऊंचाई पर पहुंचा होगा तो अकेला हो गया। जब तक काम था तब तक वो उसमें व्यस्त था, और जैसे ही काम पूर्ण हुआ आप नए काम की तलाश में घूमते हैं, या नया नहीं मिलता तो आप खाली हो। उस खाली में फिर आप पुराने लोगों को देखते हैं, लेकिन वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और उनके पास कैसे जाओगे जिनको आपने स्वयं अलग किया था। तो ये व्यक्ति की चुनाव हो गया कि हमने गलत चुनाव किया। लेकिन अगर पूरा परिवार इस दौड़ में है कि मेरा परिवार सबसे आगे है, तो अपने बाकी रिश्तेदारों को, चाचा मामा ताऊ पड़ोसी अड़ोसी को किसी को घुसने नहीं देंगे घर में, अपना एक कॉलर ऊंचा रखेंगे, झंडा ऊंचा रखेंगे। तब ऐसे में कई जमींदारों को तुम देखोगे कि वो अकेले हैं। जब तक उनकी जमींदारी चल रही थी, जब तक राजशाही चल रही थी, तब तक ठीक था, बट जैसे ही वो राजशाही जमींदारी खत्म हुई, उनसे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या सम्मान करेंगे, नमस्ते करके दूर हट लेंगे। जानवरों से उनकी दोस्ती है नहीं, क्योंकि वो उनके नौकर पालते थे। एक आध कुत्ता पाला होगा तो बस उसी से कितना गप जाओगे। तो ये परिवार की जिम्मेदारी होगी। अगर पूरा राष्ट्र इस दौड़ में लग गया कि पूरी दुनिया में हमें शासन चलाना है, पूरी दुनिया में हमें सामान बेचना है और अपने देश का आधिपत्य स्थापित करना है, और पूरा देश इस दौड़ में दौड़ा जा रहा है, सस्ता सामान बनाएंगे पूरी दुनिया को बेचेंगे, अच्छे हथियार बनाएंगे पूरी दुनिया पे हम आक्रमण करेंगे उसको जीत लेंगे, जीतने के बाद पूरी दुनिया जीत ली या जितनी जीत सकते हो जीत ली, अब दूसरी दुनिया खोजो, चांद मंगल ग्रह वहां जाओ, समय लग रहा है दुनिया ही नहीं है, कहां जाएं, खालीपन आ गया, तो पूरे राष्ट्र की समस्या होगी। तो जिन राष्ट्रों ने भी दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाया, राज किया, अब जब राज खत्म हो गया या राज सुचारू रूप से चलने लगा, तब आप खाली हो गए। एक ही तरह का काम कब तक करोगे? तो बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में, बदलते हुए अपनी शारीरिक स्थिति में काम बदले तो अच्छे रहते। हमेशा एक ही काम कर रहे हो तो दिक्कत है। जैसे कि एक समय राजा गद्दी पे बैठा है तो राजा है, बट वो मम्मी के पास गया अपनी और तब भी राजा है तो दिक्कत है। बेटे के पास गया तब भी राजा है तो सब कहेंगे तू राजा रवि बाहर है। माँ बाप बेटा बेटी भी उससे काम की बात करेंगे और कट लेंगे। अगर वो पिता की तरह, पुत्र की तरह, पति की तरह, पत्नी की तरह एक्ट करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, तो उनकी चीजें होंगी। फिर जब बच्चे की शादी हो जाए तो बहू आ जाए तो अपने दूसरे काम देखो, जब पोता पोती हो जाए उनकी शादी हो जाए तो अपना तीसरा काम देखो। आप 80 वर्ष की उम्र में अभी राजा बने रहना चाहते हो तो एकांत आएगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। तब एक श्रम की अगर अच्छी व्यवस्था है,
कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर गृहस्थ में गए तो गृहस्थी चला रहे हैं, फिर जब गृहस्थी बच्चे बड़े हो गए तो आप जिंदगी भर बच्चे पैदा तो नहीं करते रहोगे कि 80 साल के हो गए तब भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे अब बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे होने लगे तो आप उसको छोड़ो, आप बच्चों को पढ़ाओ। अब बच्चे भी पढ़ गए, पढ़ाने वाले दूसरे आ, तब आप उसका संचालन देखो, स्कूल का संचालन देखो। अब स्कूल का संचालन भी होने लगा, तीसरी पीढ़ी आ गई, तब आप ओवरऑल देखो। तब कहीं कोई झगड़ा टंटा हो तो न्याय देखो, कोई बाहरी आपदा आ गई तो उसको सुलझाओ, आपका अनुभव हो गया। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए स्थिति में आप अपने को बदल लेंगे तो एकांत नहीं आएगा। तो अगर पूरे भारत में अगर आप देखो तो पूरे जीवन पर्यंत ऐसी व्यवस्था की गई कि आदमी काम में डूबा रहे, और अगर एकांत चाहिए उसको तो हिमालय पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहां नहीं मिलेगा, वहां तो आपको काम है। बचपन में पढ़ना है, 20-25 साल तक पढ़ो, फिर शादी हो गई, गृहस्थी संभालो 20-25 साल, फिर जब बच्चे की शादी हो गई आप बाहर के काम संभालो, दूसरों के यहाँ शादी में जाओ, सामूहिक संबंधों का निर्वाह करो, मंदिर सामाजिक स्थान, बाहर के काम देखो। वानप्रस्थ बोलते हैं, जब वानप्रस्थ के दूसरे लोग आ गए तब आप संन्यास में चले गए, अच्छा न्यास, और संन्यास भी पूरा हो गए तो आप तो संत हो गए। तब जहां जाओगे पूरा गांव आपको जानता है, आप अतिथि हो गए, कम मर जाओगे पता नहीं, तो अतिथि देवो भवा, उनकी पूरा गांव कहीं भी चले जाते थे स्वागत होता था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं समाज की जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति परिवार समाज, इसके बाद एक जियोग्राफिकल बाउंड्री आती है राष्ट्र, जो हो गया समाज राष्ट्र से बड़ा है कायदे से। राष्ट्र एक प्रशासनिक दृष्टि से चलाने के लिए एक जियोग्राफिकल बाउंड्री कह जा सकती है, भौगोलिक सीमा। समाज तो मुस्लिम समाज को कहता है पूरी दुनिया में, क्रिश्चियन समाज पूरी दुनिया में, और अगर मानव समाज का हो तो पूरी दुनिया है ही। तो समाज एक बड़ी चीज है, लेकिन ये सारी चीजें आपने तोड़ दी, व्यक्तिवाद शुरू कर दिया, तथा कथित लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब पब्लिक, वो डेमोनक्रेसी हो गई, शैतानी चीज हो गई। एक हर एक आदमी वोटर है, हर एक आदमी को टैक्स रिबेट भरना है, टैक्स अपना रिटर्न भरना है, वो जिम्मेदार है। तो एकांत तो सिस्टम ने आपके जनरेट कर दिया, व्यवस्था को तोड़ा। कुछ शैतान लोग रहे होंगे जिन्हें दुनिया पर राज करना होगा, तो बोले शक्ति रहेगी अगर सामूहिक रहोगे, तो अगर शक्ति तोड़ना है तो इनको अकेला अकेला कर दो, परिवार में भी टूटे रहे। समाज तो और बड़ी चीज हो गई, परिवार ही नहीं, और सबको सफलता का चस्का सिखा दो कि तुम्हारी पत्नी की सफलता तुम्हारी नहीं है, जब तक तुम नहीं पाओगे तब तक पत्नी कुछ कर जाए तुम्हारा नहीं, तुमको अपना करना है, तुम्हें अपना टैक्स रिटर्न करना है। पत्नी को अलग चढ़ा दिया कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, जब तक स्त्री अकेले नहीं करेगी तब तक चीज नहीं चलेगी। तो दोनों को आपस में लड़ा के कोई साम्राज्य, कौन शैतान है पता नहीं, बट वो तोड़ा है। तो व्यवस्था इटसेल्फ ने चीजों को तोड़ा, और इस तरह से सारे लोग जिम्मेदार हो गए, व्यक्ति भी, परिवार भी, समाज भी, राष्ट्र भी, और सब दौड़ रहे हैं। तो दौड़ के बाद खाली समय में तो गपशप करने की मन होती है, एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, तब कोई मिलता नहीं। तो एकांतवाद के लिए मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है, हम आप और वो जो नहीं दिख रहे हैं वो भी दोषी है। तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था के बारे में हमें सोचना होगा, जो श्रम का विभाजन करे, वो साधनों का विभाजन करे, वो स्रोत का विभाजन करे, और वो एक तारतम्य लेके आए, सिनर्जी रखे, जैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, एक गति से दूसरे स्पंदित हों, ऐसी एक व्यवस्था की जरूरत है। हम लाख बुराई कर लें इस व्यवस्था की, लेकिन अगर हम एक अल्टरनेट नहीं दे सकते हैं तो इसको ही चलता। तो पीछे इस व्यवस्था की बहुत बुराइयां हुई, ऐसा नहीं है हिटलर से लेके गांधी सब ने बुराइयां करी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी तो इसलिए डेमोक्रेसी चल रही है। ये टूटी हुई व्यवस्था जो जनता को और तोड़ती है,
अकेला रखती है, उनको एकांत की तरह प्रवृत्त करती है और एकांतवाद को लड़ने के लिए कहते हैं कि हम दवाई बेचेंगे, अपने धंधे को सोचती है, आपकी बीमारी और मेरे लिए मुनाफा, तो मैं क्यों बीमारी ठीक करूंगा आपकी, मैं चाहूंगा कि दुनिया में और बीमारी बढ़े। तब तो साइकिलो एनालिस्ट का, जो समाज शास्त्र में कहते हैं कि जो बीमार हो जाए उनका इलाज करें, तो समाज पूरा बीमार है तो व्यापार अच्छा चल रहा है। तो हम आपको एक फौरी तौर पे तो इलाज कर सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट में चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि ठीक हो जाओगे तो मेरा धंधा खत्म। और पूरी संस्कृति ऐसे चल रही है कि हम प्रार्थना ही ये करते हैं कि तुम बीमार हो जाओ, अगर तुम बीमार नहीं होगे तो मैं क्या मक्खी मारूंगा। मैंने डॉक्टरी पढ़ाई करी है, इंग्लैंड भी पढ़ के आया हूँ, अमेरिका भी, रूस भी पढ़ के आया हूँ, इंडिया में भी पढ़ा हूँ, फालतू में 15 साल पढ़ा, तुम बीमारी नहीं पड़ते। अगर तुम मेरे सही रिश्तेदार हो, भाई हो, तो तुम बीमार पड़ो। अगर तुम मेरे शुभचिंतक हो, अगर मेरे शुभचिंतक हो तो तुम झगड़ा करो, तब तो मेरे वकीली का धंधा चलेगा। तो तुम दोस्ती से रहते हो, आराम से रहते हो, झगड़ते ही नहीं, हम मक्खी मार रहे हैं कोर्ट में बैठ के। तो जब तक तुम नहीं झगड़ोगे हम जजमेंट क्या देंगे, मैं जज की नौकरी कर रहा हूँ यार। और तुम शांति से हो यार, तुम्हें प्रवचन भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने पूरी भागवत पढ़ रखी है, रामायण पढ़ रखी है, तुम मंदिर भी नहीं आते, अपने मस्त धर्म का काम खुद कर लेते हो। तो तुम अज्ञानी नहीं होगे तो मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूंगा। पूरी संस्कृति आपके दुख पे हमारा सुख टिका हुआ है, इस पे चल रही है। तो व्यवस्था की व्यवस्था एक, तो वो जो गांधी और हिटलर और उस समय डेमोक्रेसी का जितने लोगों ने भी विरोध किया, विरोध वाजवी था और इतना ज्यादा था कि मैं नहीं कर सकता हूं। अगर देखना है तो हिंद स्वराज गांधी जी की किताब देखो, उन्होंने इंग्लैंड की दशा कुछ 100 वर्ष पहले दिखाया, वो आज लगभग इंडिया की भी दशा हो गई है। इंग्लैंड तो उससे और ज्यादा ही खराब हो गया होगा, और जितने देश भी डेमोक्रेसी मानते हैं उनकी हालत वैसी ही है जैसी गांधी जी ने 1908 में इंग्लैंड की दशा, पार्लियामेंट की दशा, डेमोक्रेसी की दशा लिखी। तो वो चीजें चल रही हैं, वैकल्पिक व्यवस्था थी नहीं। तो गांधी जी भी 12 साल में हाथ खड़े कर लिए, और गांधी जी लिखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं वही चाहता हूं जो हिंद स्वराज में लिखा है मैंने, लेकिन आज मेरी कॉरपोरेट एक्टिविटी, जैसे कॉरपोरेट चला रहे हैं, अनडाउटली डिवोटेड टू द अटेनमेंट ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, 1921 में उसी किताब में लिख रहे हैं कि मैं सांसदीय व्यवस्था चाहता हूं देश में। एक तरफ लिख रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि देश की दशा ऐसी कहीं नहीं हो, फिर 12 साल बाद लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है, पता नहीं चाहती थी या नहीं। एक तरफ वो लिखते हैं कि ये नौकरशाही बढ़ाती है, स्लेवरी, गुलामी बढ़ाती है डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ उसकी वकालत कर रहे हैं 12 साल। ये कारण हो सकता है कि अल्टरनेट व्यवस्था ना हो उनके पास, लेकिन आज अगर हम कहें, मैं डिस्कशन से और आशीर्वाद से एक ऐसी व्यवस्था हम डिवाइन क्रेसी में सजेस्ट की है, जो कि दुनिया के लोगों ने जब सम्मेलन हुआ कि कैसी सरकार ठीक हो सकती है, तो उसमें एक काफी सीनियर आदमी ने कहा कि हम में से कोई भी एक ऐसा मौका आए कि जो हेल्पलेस हो जाए, उसके पास कुछ ना बचे, पड़ा हुआ हो, उस समय उसकी क्या आशाएं होंगी, और अगर वो सरकार उस आदमी की आशा या हमारी आशा उस समय पूरी कर सकती तो वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट होगी। हमारे जहन में तो यही आता कि भगवान ही ऐसी आशाएं पूरी करता है, जब दुनिया में कोई नहीं सुनता तो भगवान सुनता, तो वो तो भगवत तुल्य सरकार होगी, डिवाइन गवर्नमेंट होगी। महर्षि रमन भी बोलते हैं कि अगली सरकार डिवाइन अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, जहां की फेथ सेंटर, आस्था के केंद्र, मूल केंद्र प्रशासन के, वहां पाकशाला, पाठशाला, गौशाला, जो भी आपकी समस्या हो वहां से चले, फिर वो चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मोनेस्ट्री, कोई भी आस्था का केंद्र होना चाहिए, और वो प्रशासन का मुख्य, तब आदमी अपने से काम करेगा। तो एक व्यवस्था है। तो आपके प्रश्न के हिसाब से तीनों जिम्मेदार हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और पूरी व्यवस्था।
और इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि वो इसको नए तरफ लाए, तभी हम अपने लिए एक स्वस्थ सुखी पवित्र जीवन ला सकते हैं और आने वाली जनरेशन